की अदालत में आपका स्वागत है फेस्टिवल के सीजन में दशहरे और दिवाली के बीच हम भगवान राम को याद करते हैं इसीलिए आपकी अदालत में आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व को पेश कर रहे हैं जिन्होंने राम का नाम पूरी दुनिया में पहुंचाया एक ऐसी पर्सनलिटी जिन्होंने राम का मतलब दुनिया को समझाया और रामचरित को लोकप्रिय बनाया पेश है आजाचा बापू आपकी अदालत में आज का विशेष मुकदमा शुरू करें इससे पहले आज के जज सोनल मांग सिंह की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए इजाजत है और इससे पहले कि हम इल्जाम और सवालत का सिलसिला शुरू करें मुरारी बापू से हम सवाल पूछें एक नजर डालेंगे बापू के, के रूप में जाना जाता है पिछले 40 साल से मोरारी बापू ने करोड़ों लोगों को रामकथा सुनाई और समझाई है मोरारी बापू का कथा सुनाने का सरल और संगीतमय तरीका उनकी प्रसिद्धि का कारण है मुरारी बापू का जन्म गुजरात के एक छोटे से गांव में हुआ बारह साल की आयु में ही इन्होंने रामचरित मानस को याद कर लिया पहले गांवों में छोटे छोटे ग्रुप्स में लोगों को कथा सुनाई और फिर धीरे धीरे इनकी कथा की धूम नायरो से शुरू होकर न्यूयॉर्क लंदन और सिंगापुर तक जा पहुंची मुरारी बापू चलते स्टीमर और उड़ते हवाई जहाज में भी राम कथा सुना चुके हैं मुकदमा शुरू होता है आपकी अदालत में पहला आरोप मुरारी बापू पर आपकी अदालत में संत मुरारी बापू पर आरोप है कि इन्होंने राम के नाम का कमर्शलाइजेशन कर दिया मुरारी बापू अगर आपको आपके बचपन की याद दिलाऊं मैंने सुना कि बचपन में अपने दादा से आप चौपाइयाँ सीखते थे रामचरित मानस सीखते थे और फिर स्कूल जाते जाते रास्ते में पेड़ पौधों को आप चौपाइया सुनाते थे बिल्कुल स्कूल में भी आपका ध्यान रामचरित मानस पर माला जपने पर ज़्यादा रहता था पढ़ाई लिखाई पर कम मैं छोटा था तब तुलसी की माला अपने हाथों से बनाया करता था फिर मेरे दादाजी के चरणों में बैठकर मानस का अध्ययन करता था स्कूल में गया तो भी एक रटन सी रहती थी मेरी अपनी जिम्मेवारियों के कारण मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ा सर्विस करनी पड़ी लेकिन आप सुना तीन बार फेल हो गए थे बिल्कुल बिल्कुल मैट्रिक में मैं तीन बार फेल हुआ हूँ और चौथी बार पास हुआ हूँ तो भजन के चक्कर में आप पढ़ाई पूरी नहीं कर सके थे नहीं नहीं पढ़ाई हार गई भजन जीत गया और प्राइमरी स्कूल टीचर जिस वक्त आप थे तो आप लोगों को पेड़ के नीचे बैठ के जी सबसे पहली मैंने राम कथा मेरे गांव के तीन देहाती लोग जो गाय भैंस चराने के लिए मेरे गांव के बाहर एक नदी बहती उसके तट पर मैं बैठता था वहाँ एक छोटा सा पानी का प्याऊ था तो आते जाते लोगों को मैं ग्लास भर के मटके से पानी भी पिलाता था और मेरे पास बैठता था उसको राम कथा के गंगा भी पिलाता था अब पूरी दुनिया में आप लोगों को रामचरित का गुणगान करते हैं लेकिन ये सही है कि काफ़ी महंगा है आपकी रामचरित मानस को सुनना मैंने राम कथा शुरू की तब से आज तक न प्रतिष्ठा की कामना की है न पैसों की कामना की है न कोई पद और पदक की कामना की है हाँ मैं बहुत गरीबी में पला हूँ और तब मुझे निर्वाह के लिए कुछ चाहिए था और ये भारतीय शास्त्रीय परंपरा थी कि कोई नौ दिन राम कथा सुनाए तो लोग पत्रम पुष्पम फलम तोयम समर्पित करते वो मैं जो पूर्णावती के प्रसंग पर जो मिलता था वो लेता था लेकिन जब मुझे लगा कि मेरे जीवन निर्वाह के लिए अब ये जरूरी नहीं है तब मैंने केवल गुरु पूर्णिमा को एक दिन भाव दक्षिणा स्वीकार करना शुरू किया इनमें से मैं भी दस प्रतिशत निकाल देता था फिर मैंने सोचा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं तो 90 प्रतिशत निकाल देता था 10 प्रतिशत मेरे पास रखता था निर्वाह के लिए अब मैं किसी से सालों से एक पैसा भी नहीं लेता हूँ मैं केवल रामकथा की पोथी लेकर जाता हूँ पोथी लेकर लौटता हूँ इसलिए मैं अपने आप को ज़रा भी अपराधी नहीं समझता इस बारे में क्योंकि मैंने कोई व्यापारीकरण नहीं किया है मैंने ऋषि तो परंपरा का सच्चे दिल से निर्वाह किया आपने कहा कि आप गुरु दक्षिणा लेते थे जी ये भी सही है कि जब गुरु दक्षिणा लेते थे तो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस की लाइन लगती थी गुरु दक्षिणा देने के लिए और वो इतनी होती थी दक्षिणा की सालों साल काम चल जाए बड़े बड़े लोग लाइन में रहते थे ये मैंने देखा है लेकिन दक्षिणा क्या डालते थे वो मैंने नहीं देखा है और मैं उनकी न प्रतीक्षा करता था केवल वो अपना भाव समर्पित करें अभी मैंने कहा कि मैं मेरे जीवन के लिए जरूरी था इतना ही रखता था बाकी सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताए उसका सदुपयोग होता था और अब तो मैंने ये भी बंद कर दिया लेकिन ये भी कहते हैं कि जब आपको कोई कथा के लिए बुलाता है तो आपको मेंटेन करना आपके लिए कुटिया बनाना झोपड़ी बनाना काफ़ी महंगा काम होता है ऐसा ही जैसा एक ज़माने में गांधी जी की बकरी को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल काम होता था मैं देहात में पैदा हुआ हूँ देहात में रह रहा, रहा हूँ मुझे ये सब रास नहीं आता था इसलिए मैं सादी कुटिया या तो सादे कमरे में रहता हूँ इसका खर्चा मेरी कुटिया में केवल गर्मी के दिनों में पंखा रहता है मैं एसी का भी विरोधी हूँ मैंने सुना कि जो सीताराम ट्रस्ट है उसको ज़िम्मेदारी दी गई है ये बताने की लोगों को किस तरह की कुटिया बनाई जाए और उसमें सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए ऐसा कहा जाता है बिल्कुल सत्य से विपरीत है कोई भी देख सकते हैं और उसका वीडियो लेकर के पूरे जमाने को दिखा सकते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है मुरारी बापू कि आपका जो जन्मदिन है बर्थडे वो तीन बार मनाया जाता है एक बार अंग्रेजी कैलेंडर से एक बार विक्रम संवत से और एक बार <laughs> देखो ऐसा है कि मेरा जन्मदिन सही में मेरी माँ कहती थी कि महाशिवरात्रि को है उसी को ही मैं मानता हूँ बाकी हम देहात में पैदा हुए जब स्कूल में दाखिल करने गए न किसी ने लिखी थी डेट न तो जब स्कूल में गए तब जो डेट थी लिखा दी तो 25 सितंबर लोग मन लेकिन मैं जन्मदिन मनाता नहीं और अब मैंने घोषणा भी की कि मेरी ये जन्मतिथि नहीं है मेरी जन्मतिथि केवल शिवरात्रि है इसलिए दो बार तीन बार मनाने का कोई प्रश्न एक बार भी मैं नहीं मनाता फिर दो तीन बार का प्रश्न ही कहा उठता है मैंने सुना कि जन्मदिन होगा तो बहुत सारे बर्थडे गिफ्ट भी मिलेंगे लोग दक्षिणा देंगे जन्मदिन के दिन लोग मुझे कुछ नहीं देते मैं जमाने को देता हूँ तो पहली बार आपको कब ऐसा लगा कि अब राम के नाम को लोकप्रिय बनाने के लिए आपको ज़्यादा लोगों के पास जाना चाहिए आपको देश से बाहर जाना चाहिए नहीं राम नाम किसी के करने से लोकप्रिय नहीं होता वो लोक पूज्य हैं लोकप्रिय हैं और लोक प्राप्य हैं केवल उसमें यदि मैं निमित बना हूँ तो ये मेरी मेरा सद्भाग्य है मेरे पर परमात्मा की करुणा है लेकिन ये सही है कि अब अगर कोई आपकी रामकथा आयोजित करना चाहे तो उसको कम से कम 25-30 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे भव्य पंडाल बनाना पड़ेगा व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी पंडाल भव्य नहीं होना चाहिए दिव्य जरूर होना चाहिए लोगों को छांव मिले ऐसा पंडाल माइक्रोफोन माइक सिस्टम की ज़रूरत रहती है बाकी मैं जिसको भी कथा देता हूँ कहता हूं कि मैं तो एक पैसा लेता नहीं मेरे कारण एक कथा कोई स्पर्धात्मक कथा ना बने लेकिन श्रद्धात्मक कथा बने जितना ज़रूरी हो और क्या है कि एक कथा होती है मानो एक लाख लोग आए तो दो पैर को उसको भोजन परोसा जाता है तो जितना जरूरी है इतना खर्चा होता है बाकी यहाँ कारण खर्चा नहीं हो सकता लेकिन जो एक पहले का ज़माना था जब बिल्कुल खर्चा नहीं होता था जहाँ धूप में भी बैठ के लोग सुनते थे तब के और आज के जमाने में फर्क आ गया वो तो सीधी सी बात है शर्मा जी कि तीन आदमी सुनते थे और अब तीन लाख सुनते हैं लोगों ने बताया तीन से तीन लाख बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ा आपको उसको लेकर मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं बहुत सारे हैं है आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं राम कथावाचक मोरारी बापू से आपकी अदालत में अगला आरोप मोरारी अदालत में राम कथा सुनाने वाले मोरारी बापू पर आरोप है कि इन्होंने पब्लिसिटी स्टंट्स का सहारा लिया मुरारी बापू आपने राम कथा को लोकप्रिय बनाया इसमें आपकी कब बड़ी भूमिका है आप इसको स्वीकार करें ना करें लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसको लोकप्रिय बनाने के लिए तरह तरह के स्टंट किए जैसे उदाहरण आपको बताऊं, तेईस हजार फीट की ऊंची पर जब हवाई जहाज उड़ रहा होगा तो उसमें रामकथा की जाएगी लोग ऐसा जरूर सोचते होंगे लेकिन ये मेरा कोई स्टंट नहीं था तुलसी की एक चौपाई है यदि आप कहे तो मैं गा के सुना जी जरूर पूछे गु रघुपति कथा प्रसंग सकल लोक जग पावनी गंगा तुलसी की राम कथा त्रिभुवन को पावन करने वाली गंगा है तो जैसे लोग हवाई जहाज में शादियां करते हैं तो समाज को कोई आपत्ति नहीं है जल पोत में क्लबे चलती हैं न खाने की चीज खाते हैं न पीने का पीते हैं और संस्कृति दब जाती है विकृति प्रकट हो जाती है ऐसे में किसी को कोई आपत्ति नहीं यदि कई लोग अपने पूरे परिवार को समाज को लेकर हवाई जहाज़ में घूमने जाते हैं तो किसी को आपत्ति नहीं यदि हवाई जहाज़ और जलपोत में ऐसे लोगों के साथ जो न व्यसनी है न कोई प्रकार के दुर्भाव रख रहे थे ऐसे लोगों को साथ लेकर जल में और आकाश में रामायण का गान किया तो ये पब्लिसिटी की बात नहीं मैं हृदय से कह रहा हूँ आपके सामने और ये अदालत और आदरणीय जज विराजमान है उसके सामने और ये कोई ना हो तो भी मैं रामायण की साक्षी से कहता हूँ कि मेरा इसके पीछे कोई इरादा नहीं था केवल स्वाभाविक के एक गति थी और इसके पीछे तीन लोगों से लेकर तीन लाख तक पहुँचने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा ऐसा कतई नहीं एक मेरी गंग धारा का एक ये घाट था एक एक पड़ाव था और मैं ये भी कहूँ कि मैंने अपने जीवन में कभी पब्लिसिटी के लिए कुछ नहीं किया मैं यहाँ आया हूँ आपकी अदालत में वो भी पब्लिसिटी के लिए नहीं आऊँ आपकी प्रीत के लिए आया हूँ आपने बताया कि शिप में या प्लेन में रामकथा कहने से कुछ नहीं होता पब्लिसिटी नहीं मिलती लेकिन जब आपने कैलाश मानसरोवर पर पहाड़ पर जाकर जब रामकथा की तो काफ़ी पब्लिसिटी हुई थी काफी लोगों ने इसके बारे में लिखा था चर्चा हुई थी नहीं ये कोई मैंने नई बात नहीं की कैलाश के शिखर पर निरंतर कथा होती है हमारी अध्यात्म जगत की श्रद्धा कहती है भगवान शिव पार्वती को निरंतर वहाँ कथा सुना वही तो मूल जगह है राम कथा की लेकिन जीव वहाँ पहुँच नहीं पाते तो यदि उनकी कृपा से हम मानसरोवर तक पहुँचे और नौ दिन वहाँ बैठकर मानस का पारायण किया गान किया तो इसमें मेरी कोई नई याद नहीं है ये तो शिव परंपरा का एक विनम्र निर्वाह है नई बात तो बुरारे बापू ये थी कि वहाँ आपने राम के बदले रावण की कथा सुनाई लोगों को नहीं रावण की कथा सुनाई मैंने राक्षस ताल पर एक दूसरा स्थान है हिमालय में जहाँ रावण तपस्या किया करता था और रावण भी रामचरित में एक अवतार है उसको महात्मा माना गया है इसलिए किसी को किसी व्यक्ति को पूर्ण रूपेण पेश करना है समझना है आत्मसात करना है तो सभी एंगल से उसको देखना चाहिए तो रावण का एक बहुत बड़ा चरित्र मानस में है तो वहाँ जैसे मैं कोई एक सब्जेक्ट सब्जेक्ट लेकर रामायण की कथा कहता हूँ तो मैंने वहाँ मानस रावण पर बोला था जो मानस के आधार पर है ये भी नई बात नहीं है ये भी नई बात नहीं है कि आपने वेल और शार्क जैसी मछलियों को बचाने के लिए आपने रामचरित मानस का सहारा लिया जो मछलियाँ गुजरात के तट पर आती हैं और उसको मार दी जाती हैं तो संस्थाओं ने सोचा कि बापू कुछ कहे तो इससे जीव हिंसा कम हो तो मैंने इसलिए क्योंकि मेरा तो काम है जीव दया विस्तार तारय जो संसार के लिए शुभ हो मेरा मतलब व्यासपीठ से केवल राम कथा ही कहना इतना ही मेरा कार्य नहीं है मेरी व्यासपीठ स्कूल के बच्चे का एक कमरा भी है मेरी व्यासपीठ अस्पताल कोई मरीज का भी एक कमरा है मेरी व्यासपीठ श्लोक से लेकर लोक तक बह रही है मैं मान लेता हूँ कि ये सब चीज़ें स्टंट नहीं थी पब्लिसिटी के लिए नहीं की गई लेकिन लोकप्रिय बनाने के लिए रामचरित मानस को आप फिल्मी गानों का सहारा लेते हैं मेरे पास में कुछ गानों के उदाहरण हैं आप जब रामचरित मानस की कथा कह रहे होते हैं तो आप गाना गा देते हैं प घुरू मीरा नाची थी हम नाचे बिन घुघरू के पर आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि पग बांध मीरा नाची वो फिल्म का गीत नहीं है ये मीरा की स्वरचना है फिल्म में फिल्माई गई हो तो मुझे पता नहीं लेकिन मैं इस बात से एग्री हूँ कि मैं कई पिक्चर के गीत मेरी राम कथा में कभी कभी उठा लेता हूँ और इसलिए कि उसका रचनाकार भी अच्छे शब्दों में रचना कर गए उसमें कुछ आर्ट है ये कोई अच्छा शब्द है जी डम डम डिगा डिगा बिन में भी मैं तो लेकिन मैं किस अर्थ में गाता हूँ मैं किस किस अर्थ में वो कहता हूँ मैं शंकर को देख कर बोलता हूँ और हीरा कीचड़ में गिर जाए तो भी हीरा हीरा होता है उसको धोकर के बाहर लो तो उसका मूल्य कम नहीं होता तो मेरा मैं बहुत मेरे श्रोताओं को स्पष्ट कहता हूँ कि कभी श्लोक कभी मानस की चौपाई कभी संस्कृत वांग्मय कभी कोई बौद्धिक विचार कभी कोई दार्शनिक विचार इनके साथ यदि मैंने अपने शांतक सुखाए कोई चित्रपट की एक पंक्ति रखी तो मेरा उद्देश्य केवल गाना गाना और लोक रंजन करना नहीं है इसके आधार पर कुछ मैसेज देना ये डम-डम डिगा डिगा तो शिव के लिए है और ये गाना तुम्हें और क्या दूँ दिल के सिवाय तुमको हमारी मुँह लग जाए मैं मानता हूँ कि मैं हनुमान जी को भजता हूँ या राम को पूजता हूँ तब मेरी एक उम्र भी कम है उसके जन्मदिन उनको देने के लिए इसलिए मैं तो उनको नजर में रख कर गाता हूँ और ये <laughs> और ये गाना मुरारी बापू हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा ये भक्ति का सूत्र है साहब जो प्रेम करेगा वो गाए बिना नहीं रहेगा और यही सूत्र यदि किसी चित्रपट में फिल्माया गया तो मेरी दृष्टि में कोई जैसे शेर व शायरी में बोल देता हूँ जैसे गज़ल की पंक्तियाँ जैसे प्राचीन भक्तों की भजनावली में बोल देता हूँ मीरा सूर कबीर को याद करता हूँ तो मेरा मतलब जो भी प्रेम करेगा वो गाएगा और जो गाएगा वो कभी उन्मत्त होकर गाएगा और ऐसा गाएगा तब लोग कहेंगे कि कुछ बिलक सा लग रहा है। लेकिन इसका असर आजकल की रामलीलाओं पर देखने को मिल रहा है आजकल रावण के दरबार में कजरारे कजरारे गाया जाता है इसके मैं मैं तो अपनी बात आ, आपके आपके नहीं गाते हैं लेकिन उसका मैं आपको एक उदाहरण दिखाना चाहता हूं। अगर आप देख लें मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बताएं कि ये करना कितना ठीक है एक उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कैसे आजकल होता है रह? ने जिस रामचरित मानस को लोगों तक पहुंचाया है उसका क्या हाल आज लोगों ने कर दिया और ये जो हमने आपको दिखाया ये हरिद्वार जैसी देवनगर हरिद्वार में जो रामलीला होती है कितना उसका विभत रूप देखने को मिलता है आ, एक एक सूत्र है यद्यपि शुद्धम लोकविरुद्धम नाचरणीय ना, ना करणीयम विवेक और मर्यादा बनी रहनी चाहिए और विवेक मेरा नाची थी लेकिन मंच की मर्यादा तोड़कर नहीं नाची थी इसलिए मैंने यदि कभी कोई पंक्ति का उपयोग किया है तो मेरी व्यासपीठ की मर्यादा को नांग कर नहीं किया है लेकिन आपको नहीं लगता कि जब आप जैसे संत इस्तेमाल करते हैं फिल्मी गानों का वही फिर इस तरह से पब्लिक के सामने इस तरह के रूप में आता है कहीं ना कहीं जो लोग रामलीला कर रहे हैं वो बिना समझे ना समझी के मर्यादाएं लांग करके उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो नकल माना जाएगा असल नहीं माना जाएगा और नकल सदैव करीब कभी कभी घातक होती है क्योंकि मेरा इरादा क्या है वो समझे बिना कोई उसकी नकल करेगा वही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपका क्या इरादा होता है जब आप इस तरह के गानों का इस्तेमाल करते हैं जो लोकप्रिय गाने हैं फिल्मों के गाने हैं जब उसका इस्तेमाल करते हैं रामकार समझाने के लिए तो मैं जिस हेतु से कह रहा हूँ उसी हेतु को पकड़े तो ठीक है गुलाम अली की गज़ल या जगजीत सिंह की गज़ल वो भी आप इस्तेमाल करते हैं मैंने सुना गुजराती में गुजरात के शायर हुए हैं अमृत खायल हाँ उनकी गज़लों का भी काफ़ी इस्तेमाल करते हैं आप तो इसमें मुझे कुछ बुरा नहीं लगता ये साहित्य रामायण स्वयं हार्दिक ग्रंथ होते हुए बौद्धिक ग्रंथ भी हैं इसलिए जो अच्छी शायरी हो अच्छी कोई गज़ल हो तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समाज में गलत मैसेज जा रहा है बापू जी पहले शशत पर आपको मेरा ये कहना है कि आप जगह जगह हिंदुस्तान में अपनी कथा का वाचन करके लोगों में शांति स्थापित करना चाहते हैं क्या एक बार आप राज्यों की असेंबली और भारत की संसद में इनको सबक सिखा दें कुछ सिखा दें तो जगह जगह संसद में सिखाने के बाद शायद हिंदुस्तान में कहीं ना दंगे होंगे ना लड़ाई झगड़े होंगे प्रेम की धारा बह जाएगी अरे भैया राजभवन राजस्थान में एक बार हुई तो भी इतनी चर्चा शुरू हो गई जो लोग राम नाम से डर रहे हैं वो मुझे राम कथा करने के लिए कैसे बुलाएंगे अगर आपकी बात सुनके नेता कुछ सुधर जाए हाँ। तो देश का शायद हो भला हो जाए आपको लगता है नहीं उद्रे, नहीं उद्रे। <laughs> <laughs> बाकी मुझे राजभवन या कोई भी जगह बुलाए मैं जाने को तैयार हूं मुझे कोई आपत्ति नहीं मैं एक बात सुनाना चाहूंगा काबे से बुत कदे से कभी में जाम से आवाज दे रहा हूं तुम्हें हर मकाम से आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं राम कथा को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने वाले मुरारी बापू से आपकी अदालत में अगला आरोप मुरारी बापू आपकी अदालत में राम कथा वाचक मोरारी बापू पर आरोप है कि इन्होंने राम कथा का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया बराज बापू बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपकी जब कथा होती है उसमें बड़े बड़े राजनेता आते हैं राजनेताओं से आपका मिलना जुलना रहता है तो राजनीति में अपनी साख बढ़ाने के लिए भी राम के नाम का इस्तेमाल हुआ राम कथा होती है वहाँ कोई भी आ सकते हैं लेकिन राम के नाम का राजनीतिकरण कोई करना चाहे व्यासपीठें नहीं कर सकती यदि राज व्यास व्यासगादी नहीं कर सकती लेकिन कोई राजगा यदि उसका दुरुपयोग करना चाहे भी तो मैं नहीं मानता कि उस उसको सफलता मिलेगी क्योंकि राम सत्य है राम प्रेम है और राम करुणा है और सत्य हो वहाँ अभय है प्रेम है वहाँ त्याग है करुणा है वह अहिंसा है इन तीनों सूत्रों को दबा करके कोई अपने हेतु को सिद्ध करने के लिए राम नाम राम कथा या कोई भी क्षेत्र का उपयोग करे तो मैं नहीं मानता कि वो सफल होगा और राजनीतिज्ञ मेरे पास आते होंगे मेरे पास भी नहीं कथा में आते होंगे लेकिन मैं कभी इसके पास नहीं जाता मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ गुजरात में जब दंगे हुए उसके बाद जिस तरह की स्थिति वहाँ पर थी उसके बाद में जुहापुरा और विजलपुर ये दोनों ऐसे इलाके हैं जहाँ माना जाता है एक हिंदू बहुल है एक मुस्लिम बहुल है इनके बीच के मैदान पर आपने राम कथा की दोनों समाज के लोग आए कि बीच में से एक रास्ता जा रहा है और दोनों और हिंदू मुस्लिम लोग रहते हैं और दोनों आबादियों के बिलग बिलग नाम दिए जाते हैं जो समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है तो मेरे पास कुछ मुस्लिम भाई आए कुछ राष्ट्रवादी हिंदू लोग आए उसने कहा कि बापू आप वहाँ आ सकते हैं और वहाँ के दोनों को मिला करके पर मैंने कहा मैं ज़रूर आता हूँ अवश्य तो दो घंटे का वहीं कार्यक्रम था और मैंने एक ही मैसेज दिया था कि आप एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हो मैं इन पत्थरों को एकत्रित करने आया हूं और उस पर राम नाम लिख कर एक सेतु बनाने के लिए आया हूं ये मेरा काम था उनका आप तो जानते हैं बहुत मशहूर शेर है उनका फ़र्ज़ क्या है वो अहले सियासत जाने मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे लेकिन ये सही नहीं है कि ये सियासत की तरफ एक कदम है मैंने सुना कि अगले साल आप हाजी पीर में जाकर रामकथा कहेंगे सियासत का कोई कदम नहीं है सियासत तो राजनीतिक लोग तो किंकर की तरफ पीछे पीछे आते हैं उसका कोई हाथ उसमें नहीं है और जब मैं जुहापुरा में मीटिंग संबोधन करने गया तब राजनीतिज्ञ लोग आए भी नहीं डरे और मुझे भी कई लोगों ने सलाह दी कि बापू ऐसे माहौल में आप जा रहे हैं आपकी सुरक्षा का क्या मैंने कहा मेरी सुरक्षा के मेरे पक्ष में सत्य है सत्य मानी राम है रामायण है तो मुझे कोई डर नहीं तो हाजी पीर तो मैं इसलिए जा रहा हूँ कि राम कथा में तुलसी कहते हैं राम व्यापक है व्यापक का मतलब है सब में राम समाया है तो तुम तो अगर मंदिर में है तो मस्जिद में कौन तू अगर बस बस्ती में पलता है तो वीराने में कौन तू अगर तस्वीर के एक दाने में है तो ये हर दाने दाने में कौन तू अगर शम्मा में जलता है तो परवाने में कौन मेरा तो आप जानते हैं रजत भैया और ये सब अदालत में हाजिर लोग भी जानते कि राम कथा का एक वाक्य में कहने का बात हो तो कह सकते हैं कि रामकथा मानी सेतु बंध की कथा जो राम और रावण को जोड़े जो दुर्विचार और सदविचार को जोड़े तो जो तुलसी ने बात रखी है जो राम ने आचरण करके बात रखी तुलसी ने जी कर बात रखी उसी को मैं गा कर समझ कर और जीने की कोशिश करते करते समाज में सेतु बंध का प्रयास कर रहा हूँ इसमें सियासत सियासत को इसका फायदा हो वो जाने मेरा काम केवल पैगाम मोहब्बत का देने का है तो मैंने सुना अब ये पैगाम मोहब्बत का लेकर आप पाकिस्तान भी जाएंगे वहाँ भी लोग को रामकथा सुनाएंगे मेरी इच्छा है मैंने जाहिर मंच से कहा है कि यदि मुझे निमंत्रण मिले तो मैं केवल काशी में ही कथा करूँ ऐसे नहीं कराची में भी कर सकता लेकिन जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं वो आपसे नाराज़ हैं मेरे पास में ये अखबार की क्लिपिंग है गुजरात का संदेश अखबार जिसने बड़ी बड़ी ख़बर छापी थी कि जो मिशनरीज़ हैं उनके खिलाफ आपने बहुत सारी बातें कही आपने उनको धर्मांतरण करने वाला बताया मैंने ईसाइयों के विरुद्ध कुछ नहीं कहा मैंने भगवान जीसस ने जो कहा है उसी का नंबर लेकर कहां कहां है वो प्रमाण देकर मैंने लोगों के सामने रखा कि जीसस क्राइस्ट स्वयं कहते थे कि आप लोग दरिया पार घूमते हैं और कन्वर्ट करते हैं इससे ना आपको फायदा होगा दूसरों को ये मेरे शब्द मैंने तो यही सामने रखा जो उनकी बात थी तो मेरा तो कोई मैं तो जीसस मुझे प्रिय है और इस मेरी बात को गलत रूप में यदि कोई बोल दें गलत रूप में क्योंकि ये रिकॉर्ड हुआ है कई पत्रकारों ने मुझे कहा कि बापू आप ऐसा बोल ही नहीं सकते हम विश्व मैंने कहा आप मेरा रिकॉर्डिंग सुने और मैंने उसको कैसेट भेजी तब इन लोगों ने कहा कि ठीक है बापू ये अखबार देखे तो उसमें आपको कहा कि मुरारी बापू हुम पोस्टर बॉय ऑफ हिंदू फासिस्ट फोर्सेस इससे मैं सहमत नहीं हूं लेकिन आपने क्रिश्चियन मिशनरीज को धर्मांतरण के लिए दोषी ठहराया ये तो सही है मैंने दोषी नहीं ठहराया जो जीसस ने कहा था ऐसी प्रवृत्ति यदि हम कर रहे हैं तो हम दोषी हैं और जिनको उन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया उनका रिकनवर्जन करने का काम आप सजेस्ट करते नहीं मैं ऐसी कोई काम में हूँ नहीं मेरा कोई काम नहीं है मेरा तो पैगाम ही मोहब्बत है यदि एक अस्पताल में एक मरीज गया है और वो अच्छा हो जाए तो डॉक्टर भी उसको विदा करते हैं कि आप घरे चले जाओ तो आप जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको भी राम का संदेश देने की कोशिश करेंगे उनके साथ भी सेतु बनाने की कोशिश बस मेरा तो यही काम है और मिशनरी लोग मुझे मिलते हैं मैं जब सबरी कुंभ के वहाँ कथा में था तब भी कई मिशनरी लोग मुझे मिलने आए थे मेरा तो सेतु बंद यानी कोई एक के बीच में नहीं सेतु तो सबके बीच में हो सकता है और उन नेताओं का आप क्या करेंगे जो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं अहले सियासत जाने वो उसका वो जाने परिणाम भी वो जाने सिर्फ अपने देश की बात नहीं है मैं सुना कि जो ब्रिटेन में राजनेता हैं वो भी मुरारी बापू का आपकी कथा का प्रवचन का इस्तेमाल करते हैं टोरी एक एक लीडर हैं जो आपकी सभा में कथा में सिर्फ इसलिए आए ताकि उनको वहाँ एशियंस के वोट मिल सकें आपकी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठा लें देखो होता है क्या कि वहाँ के लोग ऐसे लीडरों को निमंत्रित करते होंगे वो आते हैं व्यासपीठ को आदर देते हैं और फिर कभी कुछ बोलते हैं लेकिन पता नहीं कि वो क्या बोलेगा कभी कभी कोई ऐसा बोल भी लेते हैं लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जिस वस्तु का मूल ठीक नहीं उसमें फूल कभी आएगा आजकल का जो जितने धर्मगुरु हैं जो जिस तरीके से राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं उसके बारे में मुरारी जी से पूछना चाहता हूँ वो मुझे क्यों पूछे आप उसको पूछिए ना नहीं मैं आपसे पूछना नहीं नहीं मैं क्या जवाब दे वो शायद आपसे इनडायरेक्टली ये पूछना चाहते क्या आप भी कभी सियासत में राजनीति में जाने का इरादा रखते हैं राजनीति में जाने के पीछे जो जो कारण होते हैं इनमें से एक भी कारण मुझे मंजूर नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी व्यास गादी पर हूं राज गादी इसके सामने तुच्छ है ये भी लोग जानना चाहते हैं कि आपको सरकार की तरफ से पद्म भूषण देने का प्रस्ताव लाया गया था और आपने इनकार कर दिया जी अभी मैं बद्रीनाथ की कथा के लिए रवाना हुआ महुआ से तब केंद्र सरकार का मैसेज गुजरात सरकार को गया होगा गुजरात सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कलेक्टर और उनके सब जो जिम्मेवार लोग थे वो मुझे मेरे घर मिलने आए पहले संदेश मुझे मिल रहा था कि कोई काम है मैंने कहा घर पे आए उसने कहा कि आपके नाम का प्रस्ताव है और आपको ये राष्ट्रीय एवॉर्ड प्रदान किया जाए तो आप हमको इजाज़त तो मैंने बहुत विनम्रता से कहा कि कोई भी पद प्रतिष्ठा एवॉर्ड प्राप्त नहीं करना ये मेरा स्वभाव है मैंने आज तक कोई पद प्रतिष्ठा एवॉर्ड स्वीकार नहीं किया गुजरात सरकार भारत सरकार सभी लोगों और सबके प्रति मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी और आदर व्यक्त किया तो मैंने सभी ने उसको मना किया है कि मैं ऐसा कुछ मेरे स्वभाव में नहीं मेरे दादा जिनके चरणों में बैठकर मेरा रामचरित मानस का अध्यात्म संपदा प्राप्त की है उसने मुझे कहा था कि बेटा इसमें कभी मत जाना तो मैंने सभी ने उसको मना कर दिया तो आप अवॉर्ड नहीं चाहते हैं अपने नाम में प्रॉपर्टी नहीं चाहते हैं कोई पद नहीं चाहते हैं क्या चाहते हैं आप मैं मेरी आत्म साधना भोजन करो भोजन कराओ और भजन करो समाज में मैं सत्य में जी सकूं प्रयास करूं आप सबकी दुआ से प्रेम का सेतु बना सकूं और कहीं हिंसा ना हो इसी करुणा की गंगा बहा सकूं इसमें मुझे पूरी तसल्ली है मुझे कुछ नहीं आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं इल्जाम लगा रहे हैं सफाई मांग रहे हैं रामकथावाचक मोरारी बापू से अदालत बापु। आपकी अदालत में अगला आरोप मोरारी बापू आपकी अदालत में रामकथावाचक मोरारी बापू पर इल्जाम है कि ये कॉरपोरेट संत बन गए हैं मोरारी बापू लोग कहते हैं कि गरीब आदमी से अब नाता टूट गया है अब बड़े बड़े लोग ही आपकी कथा सुनते हैं सत्य यदि आप मेरे पास एक दो दिन रह कर देखें मैं जितना झोंपड़ियों में जाता हूँ हर शाम करीब करीब जहाँ तक संभव हो मैं गरीबों के घर गर में जाकर उनकी बनाई रोटी खाता हूँ और श्रीमंत लोग उद्योगपति लोग तो मुझे अपने घर को बुलाने के लिए आजी जी करते रहें वो जानते इनको पूछिए कि मुरारी बापू को आप ले जा सकते हैं और गरीबों की झोपड़ी में मैं बिना बुलाया जाता हूँ इसलिए मेरा क्योंकि मेरा मूल गरीबी है मैं देहात में पैदा हुआ हूँ मैं आधी रोटी खाकर इसलिए मैं वो भूला नहीं हूँ और ये ना भूल सका यही मेरे राम की कृपा है लेकिन अखबार में तो हम पढ़ते हैं जब मुकेश अम्बानी अनिल अम्बानी का झगड़ा होता है तो उसको सुलझाने के लिए कोकिला कोकिलाबेन अम्बानी मुरारी बापू को बुलाती हैं नहीं वो मेरे पास आए थे मिलने दो कारण थे एक तो जामनगर के पास उसकी फैक्ट्री है वहाँ उसको रामकथा करानी थी पहले तो उसने कहा कि बम्बई में रामकथा हमारे घर में दो और निमंत्रित लोग सुने तब धीरुभा थे मैंने मना कर दिया कि मेरी कथा ऐसे कोई महल की दीवारों में नहीं होगी वहाँ तो छोटा सा छोटा आदमी तो बोले कि वहाँ धीरूभा आ नहीं सकते मैदान में मैंने कहा तो मैं, कहा तो मैं कथा नहीं कर सकता फिर उसने कहा कि हमारी फैक्ट्री जामनगर के पास खावड़ी में खावड़ा में है वहाँ तो मैंने हाँ कही एक तो वो कथा अब कुछ समय के लिए हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पारिवारिक विवाद चल रहा है एक तो एक कहने आई थी मेरे गांव में और दूसरी के बापू दुआ करना कि हमारा परिवार ऐसे बना रहे तो इसमें उद्योगपतियों के विवाद में मैं क्या कह सकता हूँ मेरा मेरा काम तो ये नहीं मेरा काम तो सत्य प्रेम और करुणा तो मैंने कहा मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ छोटे छोटे शेर छो, 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 धारक के हित में भी आप लोग एकत्रित होकर सबका हित करो बस इससे ज़्यादा मेरी कोई भूमिका नहीं थी उस समय के अखबार मेरे पास में है उन्होंने तो ये लिखा कि मुरारी बापू मीडिएट करेंगे अम्बानी के झगड़े में और जो प्रस्ताव तैयार हुआ दोनों भाइयों के जिस पर समझाता हुआ वो मुरारी बापू ने ही तैयार करवाया था नहीं इस सत्य से विपरीत है इस सत्य से अखबार अखबार है हर अखबार पर एतबार करना जरा मुश्किल है साहब और यह भी कहा गया कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात समाचार के जो ओनर एडिटर हैं श्रेयांश शाह उनके बीच में काफी तकरार बढ़ गई थी तो मोरारी बापू ने दोनों को एक मंच पर लाकर दोस्ती करवा दी तो ये तो अच्छा हुआ ना <laughs> राम कथा के मंच पर दोनों आए गुजरात समाचार की तो एक कथा थी वो यजमान बने थे और सीएम साहब पधारे तो मैंने कहा एक गुजरात समाचार का तंत्री और एक गुजरात सरकार का मुख्यमंत्री यदि दोनों एक साथ मिलकर गुजरात का और भारत का शुभ का चिंतन ज़्यादा करे लड़ाई करने से तो ये तो अच्छा था इसमें तो क्या जब मंत्री और तंत्री को आप मिलाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो कॉरपोरेट वॉर है सियासत है उसमें आपका दखल हो रहा है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मैं 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 उसका आदमी ही नहीं मेरे पास तो जो आए मैं संवाद का आदमी हूँ ना विवाद अपवाद और प्रवाद का आदमी नहीं हूँ तो ऐसे कभी आ जाते हैं तो इसको मिलाता हूँ और मिले रहे तो अच्छी बात है और अभी मैंने पढ़ा कि अगले बरस अप्रैल में आपकी जो कथा होने वाली है वो कर्णावती में होने वाली है गुजरात के क्लब में और जो इलीठ का क्लब है कॉरपोरेट हाउसेस जिसके मेंबर हैं सब बड़े बड़े लोग हैं और वो बंद दीवारों में बड़े लोगों के लिए कथा होगी नहीं 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 बिल्कुल नहीं क्लब में होगी करुणावती क्लब में वो अवश्य और वो कथा भी क्लब के व्यवस्थापकों ने अभी अभी आपने सुना होगा कि गुजरात के एक बहुत बड़े विद्वान महापुरुष का निधन हुआ के का शास्त्री, इसने शास्त्रों पर बहुत काम किया उसकी शताब्दी अब तो वो चले गए लेकिन उसके स्मरण में ये कथा उसकी वंदना के लिए कथा और ये लोग ये वंदना करने को लिए राजी के लिए राज्य बाकी सबके लिए खुली होगी मेरी कथा जेल में हुई है भावनगर के कैदियों के पास लेकिन वहाँ मैं उनके साथ रहा हूँ कथा तो बिल्कुल मुक्ति का प्रदेश है वहाँ कोई बंधन नहीं एक सवाल है जिसको लेकर के एक अखबार ने ये सवाल खड़ा किया था तो आपके समर्थकों ने उनके ऊपर मुकदमा कर दिया था तो उम्मीद करूँ मेरे पर कोई मुकदमा नहीं करेगा कथा कहते समय काला चश्मा लगाते हैं इसको लेकर के उन्होंने कई तरह की बातें कही अब देखो मेरी आँखों में नंबर हैं पहले से हम गरीबी में पैदा हुए पौष्टिक खुराक का अभाव था आँखों में जल्दी जल्दी नंबर आ गए चश्मा लेने के भी पैसे नहीं थे और जब नंबर के चश्मे खरीदे तब डॉक्टर ने सलाह दी कि आपकी आँख यदि ज़्यादा समय ज़्यादा समय तक रखनी हो तो आपको जितना हो सके डार्क ग्लासेस के चश्मे इसलिए पहनता था कोई यार कोई और इरादा नहीं है इस किसने सोचा होगा कि जो फिल्म स्टार्स से नॉर्मली वो ऐसे कॉलेज में लगाते हैं <laughs> वो शायद मुझसे सीखे हो तो मुझे पता नहीं अब <laughs> हम मौका देना चाहते हैं जनता को जनता से जो लोग yes, सवाल पूछना चाहते yes. हैं बड़े बापू से जैसे आप प्रवचक नौ दिन का होता है आपकी पार्ट दस दिन की तो इसमें जो खर्चे होते हैं जैसे कि ये पहले सवाल उठाए हैं कि अमीर लोग ज़्यादा इसमें लाभ उठाते हैं जो डेवलप हैं वो ज़्यादा सुनते हैं जो डेवलप नहीं है वो इसमें नहीं आ पाते हैं मैं इस बात को कबूल नहीं कर सकता आप ऐसे समाज को लेकर मेरे पास आइए और यदि मैं ऐसी स्थिति में कथा न दूं, पैसा खर्च करने वाले हो न हो केवल आयोजन करना होता है। आप तो अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं लेंगे आपका कोई ख़र्चा नहीं होगा लेकिन आपकी कथा आयोजन करने का खर्चा इतना होता है कि उसमें सिर्फ वो लोग आ पाते हैं जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं नहीं नहीं मैं क्या कहता हूँ कि यदि कोई ऐसा स्थान है जहाँ कथा की विशेष आवश्यकता है तो आप मुझे मिलकर बताइए यदि ऐसे ऐसा कोई स्थान है जहाँ बहुत जरूरी है तो मैं प्राथमिकता दूंगा और यजमान भी खोज दूंगा कि जो वहाँ आकर सत्कर्म के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करें बहुत सारे लोग जो प्रवचन करते हैं उनका प्रवचन एक तरह से उद्योग बन गया है जो प्रवचन करते हैं लोगों को संदेश देते हैं लोग उनको दान दक्षिणा देते हैं उसके साथ साथ उनके यहाँ उद्योग चलते हैं जिसमें कोई तेल बनाता है कोई साबुन बनाता है कोई अगरबत्ती बनाता है और उससे पैसा कमाते देखो मैं तो इतना ही कहूंगा उसकी वो जाने लेकिन धर्म धंधा नहीं होना चाहिए हो सके तो कोई चेतना में कितनी ताकत हो धंधे वालों को धर्म में प्रस्थापित कर दे लेकिन धर्म धंधा बन जाए वो राष्ट्र के और विश्व के हित में रहे आपके नाम से किसी तरह कोई व्यवसाय नहीं जुड़ा है बिल्कुल नहीं व्यवसाय क्या कोई व्यक्ति भी नहीं जुड़ा है मैं और मेरी राम कथा की पोथी न मैं किसी का गुरु हूँ न मेरा कोई शिष्य है मैं मजबूर साहब का एक शेर सुनाना चाहूंगा कि ना कोई गुरु ना कोई चेला भीड़ में अकेला अकेले में मेला आपकी अदालत में आज हमने जनता की तरफ से सवाल पूछे जाने माने कथावाचक ऐसे कथावाचक जिन्होंने राम को लोकप्रिय बनाया हमने उनसे पूछा क्या लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने व्यावसायिकता का सहारा लिया क्या उन्होंने किसी तरह के स्टंट का पब्लिसिटी का सहारा लिया हमने उनसे पूछा सियासत के बारे में हमने उनसे पूछा देश की एकता के बारे में अब वक्त है आपकी अदालत में आज की जज जानी मानी डांसर सोनल मानसिंह के फैसले का श्री मुरारी बापू को पद्म भूषण तो क्या भारत रत्न भी दिया जाए तो कम है लेकिन उन्होंने कहा है कि उनको कोई पद स्वीकार नहीं है सबसे श्रेष्ठ पद उनको मिल चुका है श्री राम चरण का आज के सारे आरोप बहुत विचारपूर्ण थे मेरा जजमेंट ये होगा कि बार बार बुलाया जाए बार बार जजमेंट दिए जाए बार बार उनके पर और आरोप लगाए जाएं, ताकि और सुंदर भाव लोगों तक पहुंच सके आप सबको नमस्कार मुरारी बापू मैं विदा लेते समय इतना ही कहना चाहता हूं बशीर बद्र का शेर है कि सितारों को आँखों में महफूज रखना बहुत देर तक रात ही रात होगी मुसाफिर है हम भी मुसाफिर हो तुम भी किसी मोड़ पर